एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग, कमेंट करके जरूर बताएगा। वैसे मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत अच्छी होगी और अच्छी तरह से अपना ख्याल रख रही होगी। तो मेरे दोस्तों, आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ सबसे बेस्ट सैफरन, जो कि हम केसर के नाम से जानते हैं। केसर कितना गुणकारी होता है, कितना बेनिफिट होता है हमारे स्किन के लिए, हमारे हेल्थ के लिए, सारी जो चीजें हैं मैं आप लोगों को पूरे डिटेल में बताने वाली हूँ। साथ ही साथ मैंने किस प्रोडक्ट को यूज किया है, जो केसर है ना दोस्तों, ये है मेरे पास रसायना ब्रांड का जो कश्मीरी सैफरन है। जैसे कि आप मेरे हाथ में इस बॉक्स को देख सकते हैं, मैंने इसे पर्सनली यूज किया, इसे बाय किया है और मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ में इसकी बेनिफिट और गुणों के बारे में बताऊं, और साथ ही साथ ये भी बता दूं कि जो प्योर केसर होते हैं उसे आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये पूरी वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो जरूर करिएगा सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा इस वीडियो को, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि जो फेक और जो असली केसर होते हैं, जो नकली और केसर की जो बात होती है ना, वो पूरा डिटेल में मैं जो आप लोगों को बताऊंगी तो आप लोगों को हेल्प मिलेगी, जिससे कि आप असली और नकली का फर्क भी पहचान सकते हैं। ठीक है, सो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं बीच में रिसेंटली अभी जम्मू कश्मीर जाकर के आई हूं, और मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को बताऊं कि वहां पे मुझे केसर के बारे में बहुत सारी जो चीजें नॉलेज मिली है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो है ना, ये कश्मीरी सैफरन मोंगरा फ्रॉम द फाइनेस्ट फार्मलैंड ऑफ पैम्पोर जम्मू एंड कश्मीर। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये 1 ग्राम की इस तरह की डिबिया में आती है, जैसे कि आप देख सकते हो मेरे हाथ में। अब मैं आप लोगों को बताऊं कि दोस्तों, इसके बेनिफिट्स बहुत सारे होते हैं, जैसे कि प्रेग्नेंट लेडी को भी दिया जाता है केसर, काफी ज्यादा अच्छा होता है, थोड़ा वार्म होता है, इसीलिए ये दूध के साथ में प्रेग्नेंट लेडी को दिया जाता है। साथ ही साथ हम अपने स्किन टोन को निखारने के लिए भी केसर का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ हमारे जो हेल्थ होती है, जैसे कि किसी को कोल्ड की प्रॉब्लम है, अगर आपने बहुत ज्यादा ठंड का मौसम है, अगर एक दाना भी अगर आपने केसर का अपने जवान पे रख लिया तो वो ठंडी वहां से चली जाती है। मीन्स आपको एक वार्म मिलता है आपके बॉडी में, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा होता है। मीन्स ठंड के मौसम में बहुत ज्यादा, देखिए बहुत जगहों पे ऐसे ठंडी होती है ना, ठंड का मौसम बना रहता है। जैसे कश्मीर की अगर मैं बात करूं, उस वक्त जब मैं गई थी वहां पे तो काफी ज्यादा ठंड थी और ओले बर्फ वगैरह हमेशा पड़ते ही रहते। तो कश्मीर में बहुत अच्छा है कि केसर हर जगह मिलती है, बट आपको केसर नकली या असली कैसे पहचानना है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो अपने आप को वार्म करने के लिए केसर का आपने एक दाना भी, एक रेसा भी अगर अपने मुंह में रख लिया दोस्तों, तो वो अच्छा होता है हमारे हेल्थ के लिए, आपको कोई कोल्ड नहीं लगता है। साथ ही साथ जैसे कि सर्दी या जुखाम की प्रॉब्लम है, लगातार बनती रहती है, तो उस केसर को दूध में उबाल करके पीने से भी हमारा जो इम्यूनिटी होता है वो बूस्ट होता है। काफी ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं केसर, आप सभी लोगों को पता है। और दोस्तों, ये जो मैंने रसायनम की ये जो केसर लिए ना, ये सर्टिफाइड है, आपको इस तरह से सर्टिफिकेशन के साथ में मिलती है, जो कि लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस एंड अरोमा के साथ में आई है दोस्तों। और ये रिच अरोमा है इसके अंदर, परफेक्ट फॉर द ओकेजनल यूजेस, मतलब आप अपने, जैसे हमारे बहुत सारे इंडियन डिशेस बनते हैं, 56 भोग लगते हैं कृष्णा को, उसमें भी केसर का इस्तेमाल किया जाता है। आप सभी लोगों को पता है, मिठाई से लेके, खीर से लेके, हलवा से लेके, केसर हर जगह यूज किया जाता है। ओकेजनली भी यूज करते हैं, पूजा पाठ के रूप में भी हम इसे यूज करते हैं केसर को, साथ ही साथ अलग अलग डिशेस को प्रिपेयर करने के लिए भी हम केसर का इस्तेमाल करते हैं। हेल्थ वाइज तो ये काफी ज्यादा अच्छी होती है। और जैसे कि मैं अगर चक्रा की बात करूं, तो हमारे विशुद्धि जो होते हैं उसे दूर करने के लिए भी काफी ज्यादा हेल्प करते हैं केसर। विशुद्धियों को दूर करने के लिए, हमारे बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। वैसे देखिए, अगर मैं इंडियन ब्यूटी की बात करूं तो केसर का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। केसर को अगर आपने सिर्फ गुलाब जल में भी डाल के लगाना शुरू किया तो आपकी स्किन बहुत ज्यादा फ्लॉलेस होती है, कोई ब्लेमिशेस नहीं होते, कोई दाग धब्बे नहीं होते हैं। और खाने में तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इतने सारे इसके गुण होते हैं। चलिए अब हम टेस्ट की बात कर लेते हैं, यहाँ पे किस तरह से आप टेस्ट करोगे। तो मैंने यहाँ पे देखिए 2 तरीके से टेस्ट किया है। ये मैंने यहाँ पे कप, ये पानी में मैंने केसर डाल करके कप से रखा, कम से कम मुझे यहाँ पे 1 से 2 घंटे हो चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं उसका कलर देखिए, आप नेचुरल कलर प्रोड्यूस करती है केसर, आप सभी जानते हैं। मैंने यहाँ पे मिल्क के साथ में भी इसे रखा हुआ है। तो केसर जो होता है दोस्तों, आप पहचानेंगे कैसे कि असली है कि नकली है। जो नकली वाला केसर होता है दोस्तों, उसका रंग
छूट जाता है और वो सफेद कलर में टर्न हो जाती है। मीन्स आप समझ जाइएगा कि वो केसर नकली है, ठीक है। 1 से 2 घंटे आप पानी में भी टेस्ट कर सकते हो, दूध में डाल के भी आप इसे टेस्ट करेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। केसर की एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो मैं आप लोगों को बताऊं, देखिए यहाँ पे मैं इसे निकाल रही हूँ, इसने अपना कलर इस तरह से छोड़ दिया है, बट केसर का जो ये कलर है ये नहीं जाना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये देखिए। और जो इसका थ्रेड है, अगर मैंने इसे 2 घंटे पानी में भिगो कर रखा है, आप लोगों के सामने मैं बता रही हूँ, देखिए मैं इसे अगर रब कर रही हूँ तो भी इसका जो थ्रेड है ये टूटता नहीं है। इवन देखिए मेरे हाथों पे भी आप देख सकते हो कि केसर अपना कलर छोड़ती है, ये बिल्कुल भी टूटेगी नहीं। आप अगर जो नकली वाली होती है वो टूट जाती है बीच से, ये बिल्कुल टूटेंगे। और इसका कलर मेरे हाथों पे भी आप देख सकते हो कितना, इसका अरोमा भी बहुत अच्छा है दोस्तों, प्योर है ये 100% एकदम प्योर केसर है, जैसे मैं आप लोगों को बता रही। वैसे अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दी है, फटाफट इसे बाय कर लीजिए ताकि आपको भी 100% प्योर केसर मिल जाए, जो कि आज आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं। और ये केसर का कलर देख सकते हो आप किस तरह से चेंज हुआ है, गोल्डन कलर में ये चेंज हो जाती है, नीचे बैठ गई है केसर, लेकिन केसर ने अपना कलर नहीं छोड़ा। यही होता है 100% शुद्ध और प्योर केसर का आइडेंटिफिकेशन, जो मैं आप लोगों के साथ में आज बता रही थी दोस्तों। आई होप दोस्तों आप लोगों को पसंद आए। वैसे तो देखिए केसर का मैं किस तरह से इस्तेमाल करती हूँ, जब भी मुझे लगता है ना अगर आपके फेस पे बहुत ज्यादा पिंपल्स या प्रॉब्लम है, ये पानी ही अगर आपने अपने फेस पे इस तरह से लगा लिया, रब कर लिया इस तरह से, रात को भी अगर आपने लगा करके सो गए तो मॉर्निंग में आप देखिए आपकी स्किन बहुत ज्यादा ग्लोई लगती है, ड्यूई लगती है, आपको कोई भी कॉस्मेटिक वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करना चाहती हूँ, हेडेक की अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है किसी भी बंदे को, तो आप सिर्फ और सिर्फ केसर को इस तरह से पानी में अगर आपने भिगा करके अपने माथे पे इस तरह से उसका पानी लगा लिया ना, तो हेडेक आपकी छूमंतर हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, सिर दर्द के लिए सबसे रामबाण है केसर, इसे जरूर ट्राई करिए। सिर दर्द, वात, कफ और पित्त जो भी होते हैं उसे ये त्रिदोषों को ये नाश करने के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिशियल लगी हो, तो प्लीज इसे शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में। सो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट डे, लव यू।